हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताऊँ कि रेट के एग्जाम के बारे में आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर हम बीएड लास्ट ईयर है और हमारा एंट्रेंस भी यहाँ पर लिया जा रहा है, क्या हमारे यहाँ पर रेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फाइनली यहाँ पर बता देता हूँ कि जो बीएड कर रहे हैं लास्ट ईयर में हो तो वो भी यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके साथ में अगर बीएसटीसी डीएलएड आप कर रहे हो लास्ट ईयर में हो तो आप वो भी यहाँ पर टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आपको पता होगा कि इंटर्नशिप यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर फॉर्म इंटर्नशिप के लिए फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर शेड्यूल आता है इंटर्नशिप का, तो दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि हमारी इंटर्नशिप लगेगी अगर 4 महीने की, तो दोस्तों हम यहाँ पर रेट के लिए एलिजिबल होंगे या पर नहीं होंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे रेट से या फिर एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, एक चीज़ दोनों ही यहाँ पर आप गांठ बांध लीजिए कि आप अगर बीएसटीसी या डीएलएड कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे हो तो लास्ट ईयर में हो तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दे पाओगे, ये मैं आपको बोल देता हूँ। आप एग्ज़ाम दे सकते हो लेकिन आपको फाइनली में निकाल दिया जाएगा, फाइनल में निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर लास्ट ईयर में हो तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं है। अगर इंटर्नशिप लिया जा रहा है तो भी आपको यहाँ पर बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि रीज़न मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर काफ़ी यूट्यूबर काफ़ी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जो आप यहाँ पर पूरा बिना स्क्रिप्ट के वीडियो को आप देखते रहिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो रहे थे अपेयरिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, तो वो कौन देता था, वो भी गवर्नमेंट ही दे रही थी बच्चों को कि अपेयरिंग का जो लास्ट ईयर में हो वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अपेयरिंग का ऑप्शन देने का मतलब यही है कि जो लास्ट ईयर में हो है वो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है रीट के लिए। तो गाइस, आप ये भी जानते हो RBSC की ही रीट है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है वो ही यहाँ पर कलेक्ट करवा, यानी यूनिवर्सिटी यहाँ पर कलेक्ट करवाती है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताता हूँ कि राजस्थान की यहाँ पर ये पोस्ट है, तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर एलिजिबल क्यों नहीं होंगे। अगर आपको अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिया होता अगर उस टाइम पे, यानी आपको यहाँ पर जब फॉर्म फिल करते टाइम पे अपेयरिंग का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया होता तो बाहर होते, लेकिन आप यहाँ पर अपेयरिंग का फॉर्म लगा के आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि फाइनली हमें यहाँ पर कितना ही लेट किया जाए लेकिन हमें वहाँ पर एलिजिबिलिटी मिलेगी। आप किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि कई बच्चे बात कर रहे हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करते हैं कि यहाँ पर क्या हम इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, हाँ, हम इसके लिए एलिजिबल होंगे, भले ही हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाए, यहाँ पर हमारा इंटर्नशिप काफ़ी लंबी चली जाए, 4 महीने लग जाए, लेकिन फाइनली हम इसके लिए एलिजिबल होंगे क्योंकि हमने अपेयरिंग का फॉर्म लगाया है। अपेयरिंग का फॉर्म लगाया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट हमारे साथ में किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करेगी अगर BSTC DLED और या फिर BEd वाले हो तो। आप गवर्नमेंट हमारा सहयोग ज़रूर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने चाहा था कि अपेयरिंग वालों को, स्टूडेंटों को यहाँ पर लिया जाए, तो दोस्तों कैसे हमारे साथ में यहाँ पर धोखा किया जाएगा। तो फाइनली यही समझाना मैं चाहता था कि आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और अपेयरिंग वालों को ज़रूर लिया जाएगा, अदरवाइज़ और को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो अपेयरिंग से फॉर्म लगाया है उनको ज़रूर लिया जाएगा। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। तो दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।